बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम अपना सेकंड ईयर का तीसरा चैप्टर जो बेसिकली इंटरमीडिएट के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 है वो शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है अपने एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनके अपने अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके साथ जो है वो उनकी बॉडी जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है ना, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म शो सर्टन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, वन ऑफ देम इज़ टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें मुश्तरका सलाहियतें होती हैं, खसूसियात होती हैं, उनमें से एक जो है वो ये भी है कि जो भी उनको तहरीक मिलती है उसको वो रद्दअमल शो करते हैं। ठीक है, दीज स्टिमुलाय मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल एट मॉलिकुलर, सब सेलुलर, सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक लेवल टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। यानी कि ये जो स्टिमुलाय हैं ये किसी भी लेवल के हो सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, और इंटरनल की भी आगे उन्होंने आपको बताया है, इन इन तरह के हो सकते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलाय मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। तो अब जो एक्टिविटीज़ बॉडी ने शो करनी है इन स्टिमुलाय के रिस्पॉन्स में, उनका भी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, दी कोऑर्डिनेशन मेक्स पॉसिबल द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इसेंशियल टू ऑर्गेनिज्मिक बिहेवियर। तो जो कोऑर्डिनेशन है ये फिर मुमकिन बनाता है कि जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो फंक्शंस हो रहे हैं उनके आपस में जो है वो यूनिटी में हो। ठीक है ना, वो एक दूसरे को असिस्ट करते हुए यूनिटी में हो। कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो लाजमी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। ठीक है ना, उसको जिंदा रहने के लिए। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस एंड दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड इवन टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो होता है किस किस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियाँ आई हैं, टेम्परेचर में, लाइट में, या मुख्तलिफ केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन में, या इवन इलेक्ट्रिक करंट अगर उनको महसूस हुआ है तो उस को रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेशन शो करना है या होगा उनके अंदर ज़रूर। ओके, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ऑल्दो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स येट एवरी सेल हैज़ रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स इमीडिएट विसिनिटी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, ये आपने पार्ट वन में भी स्टडी किया है। तो येट एवरी सेल कैन बी रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स इमीडिएट विसिनिटी, लेकिन हर सेल जो है उसको भी अपने माहौल के मुताबिक जो है रिस्पॉन्ड करना है। इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन दी मोस्ट हाईली डिवेलप्ड ऑर्गेनिज्म इजी वी ह्यूमन बींग्स आर अनेबल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मैनी चेंजेस आर स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट, के हम जो हैं बहुत सारी तब्दीलियाँ हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, वी आर अनअवेयर एंड नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बॉडी ऑफ आवर ऑन द सर्फेस ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हम बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते, जिनमें से एक जो है ये है कि हमारे जिस्म के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, हम उनको नहीं डिटेक्ट कर पाते बिकॉज आवर सेंसरी सेल्स डू नॉट डिटेक्ट दिस देयर प्रेजेंस। ओके, बट सम ऑफ आवर इंटरनल बॉडी सेल्स डू रिस्पॉन्ड एंड प्रोड्यूस केमिकल्स आर फेजोसाइटोस देम टू डिस्ट्रॉय देम। ओके, तो लेकिन हमारे जिस्म के जो अंदरूनी सेल्स हैं वो इनको जो है उनके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं, रद्दमल शो करते हैं और ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट, या फिर जो है कि उनको अपने अंदर ले जाके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वी आर अनेबल टू सी डिफरेंट रेडिएशन एक्सेप्ट फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, बट आवर बॉडी सेल्स डू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ देम। इसी तरह रेडिएशन्स के बारे में है कि जो रेडिएशन्स हैं हम सिर्फ जो विजिबल लाइट है जो हमें नज़र आती है आंख से हम उसी को डिटेक्ट कर पाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है ना, उसी को डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा लेकिन हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ और जो लाइट की जो इंटेंसिटी है या मुख्तलिफ जो रेडिएशन है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं।
ठीक है, यानी कि आंख नहीं कर पाती लेकिन जिस्म जो है वो करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, सॉरी, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स। तो जो प्लांट हैं वो भी आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो भी बेशक हमें ये लगता है कि वो अपनी जगह चूँकि तब्दील नहीं कर पाते, वो हरकत नहीं करते, लेकिन वो हर वक्त वो भी मूव करते रहते हैं, अपने जो है जो उनको स्टिमुलाय उन तक पहुँचते हैं उनके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये जो रिस्पॉन्स है ये उनकी ग्रोथ की सूरत में शो होता है, ठीक है, या फिर वो लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हैं वो आती हैं इनके अंदर। प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स आर फार मोर फार फ्रॉम बींग पैसिव एंड आर कम्प्लेक्स डायनामिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो चेंज रिएक्ट टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाय एंड शो रिस्पॉन्स। इट इज़ नो एग्जैजरेशन टू से दैट प्लांट्स बिहेव, यानी कि इसमें कोई वो मुबालगा राय नहीं है कि प्लांट भी बिहेव करते हैं, ठीक है, बट देयर बिहेवियर इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स इनका बिहेवियर जो अब डिफरेंट है। द डिफरेंस इज ड्यू टू टू वेज ऑफ लाइफ, यानी कि इनका डिफरेंस यही है कि दोनों की जिंदगियाँ मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना, एनिमल्स की जिंदगी और है, प्लांट्स की और है। ससाइल ऑन वन हैंड एंड मोटाइल ऑन द अदर, मच ऑफ द बिहेवियर ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन वेरिएशंस इन ग्रोथ रेट्स, ठीक है, यानी कि जो वो अपने फिर वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है, वो वेरियस ग्रोथ रेट्स की वजह से है, आर चेंजेस इन दी टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल की टर्जिडिटी जो है उसको वो तब्दील कर लेता है, वेन दे शो मोमेंट दी मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इन द स्लो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है एनिमल और प्लांट्स का आपस में वो ये है कि वो इनकी स्पीड जो है रिस्पॉन्स शो करने की वो स्लो होती है, ओके। एनिमल्स में है मे इवॉल्व टिश्यूज लाइक मसल स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड रैपिड मूवमेंट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स एम्प्लॉय डिफरेंट वेज टू रिस्पॉन्ड एंड हैव इवॉल्व कंट्रोल सिस्टम अकॉर्डिंगली, यानी कि मुख्तलिफ यानी कि रैपिड मूवमेंट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अप्लाई करते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है ना, एंड है और इसके साथ साथ उन्होंने जो है इसके मुताबिक अपने कंट्रोल सिस्टम जो है वो बनाए हैं, ठीक है। इन प्लांट्स कंट्रोल सिस्टम इज सोलली बाय द प्लांट हार्मोन, तो जो प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो उसके हार्मोन्स पर मुश्तमिल है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो है हार्मोन्स के साथ साथ नर्वस कंट्रोल भी शामिल है, ठीक है ना, यानी कि नर्वस सिस्टम भी है, मेक दैम रिस्पॉन्ड विद ग्रेटर स्पीड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाय, ओके। हार्मोन कंट्रोल इन प्लांट्स इज रिलेटिवली अ स्लो प्रोसेस, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल जो है ये स्लो प्रोसेस है, इवन आफ्टर हार्मोन इज सिंथेसाइज हार्मोन बन गया है देयर इज अ डिले, लेकिन अभी वो रिलीज नहीं हुआ, बिटवीन द रिलीज इट्स अराइवल एट द टारगेट साइट, जहाँ तक सेल्स जहाँ तक उसको पहुँचाना है अभी वहाँ नहीं पहुँचा, अभी भेजा नहीं गया, एंड इट्स सेक्शन इन द बॉडी, ठीक है, यानी कि प्लांट में जो है रिस्पॉन्स वो स्लो है, कि बेशक हार्मोन बन गया है लेकिन अभी वो रिलीज नहीं हुआ, अभी वो पहुंचा नहीं है, अभी उसने एक्शन नहीं शुरू किया, ओके। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाय दैट इंड्यूस्ड इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज यूजली नॉट इमीडिएट, तो ऐसा रिस्पॉन्स जो हार्मोन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो बहुत जल्दी नहीं होता, ठीक है ना, फौरी तौर पर नहीं होता। कीपिंग इन व्यू द स्लोनेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट मूवमेंट द डिले इन्वॉल्व इन हार्मोनल कंट्रोल इज इनसिग्निफिकेंट। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ग्रोथ टू फ्रूट प्रोडक्शन एंड राइपनिंग आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ग्रोथ और ये जो फ्रूट प्रोडक्शन और राइपनिंग है ये हार्मोन के कंट्रोल में, प्लांट्स देयरफॉर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाय बाय रेगुलेटिंग देयर, यानी कि जो स्टिमुलस उसको मिलते हैं, तहरीक उसको मिलती है, उसको जब रिस्पॉन्स है वो किसकी सूरत में है, रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वे, कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शंस थ्रू प्लांट हार्मोन्स आर ग्रोथ हार्मोन्स, ओके गर्ल्स।